अब 2 बजे रात में यहाँ लड़कियों को योगी जी बोलते हैं कि जींस ना पहनो, हमारे यहाँ लड़कियाँ और लड़के सब जींस पहन सकते हैं, 2 बजे रात में लड़की सेफली घर जा सकती है। ये जो योगी बोल रहे हैं कि योगी आएंगे, योगी पहले यूपी को संभाले अपना। देखिए, एक तो उनके अंदर चीफ मिनिस्टर बनने वाला कोई कारीगरी नहीं, कोई क्वालिटी नहीं है। उनका चेहरा बंदर के जैसा, एक बंदर साथ में ले घूमते, उनके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है। ममता बनर्जी की यही समस्या रही है कि उसकी उन्होंने बीजेपी को 1998 से लेकर 2009 साल तक का बंगाल में लाया, आज वही बीजेपी उनके साथ पचाल गए। सोनिया गांधी खुद चाहती है कि ममता दीदी की सरकार बने। एक भी कोई नेता बड़ा नेता बंगाल में नहीं आया। अजीत साहब ने कहा कि आया जगदीश सेंगर, आया नवजोत सिंह सिद्धू, आ रहा है और भी आए नहीं ना, अभी आ रहा है राहुल गांधी। तो यार राहुल गांधी भी जी, क्या लग रहा है किसकी सरकार जी? आपकी बात टीएमसी दीदी हर, और इसके बाद भी दीदी और दीदी दीदी दीदी, हम लोग दीदी को प्राइम मिनिस्टर के रूप में देखना चाहते हैं। दीदी ने जैसा मिनिस्ट्री मीडिया कह रही है, तीसरे चौथे चरण के बाद चुनाव बदल गया, सारा जो वोट है वो भाजपा की तरफ जा रहा है जी। वो देखिए, भाजपा वाला लोग तो दिल्ली में भी कह रहे थे कि अब की बार हमारा सरकार कहाँ गया, भाजपा का सरकार। वो तो कितने कुछ भी सीट नहीं आया वहाँ पे उनका, तो वैसे ही वो लोग बंगाल में भी दिखा रहे हैं। और वो आने वाला 2 तारीख को हम लोग देखेंगे किसकी सरकार हो रही है। जैसे कि यहाँ पे ममता बनर्जी के लिए हम लोग यहाँ से एक प्यार रखते हैं उनके लिए, वो जैसा काम की आज आप बंगाल को देखो, सारे स्टेटों से सबसे सेव हमारा आज बंगाल है। बंगाल में आज आप देखो कहीं पे कोई हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं होता है, कुछ भी नहीं। हम लोग यहाँ के जो बंगाली यहाँ के रहने वाले हैं वो बहुत शांत स्वभाव के होते हैं और वो बहुत प्यार के साथ रहना चाहते हैं। और उनके साथ आज हम लोग के देखो यहाँ पर परसेंट में मुस्लिम है, यहाँ पे बहुत सारे हिंदू रहते हैं। आप उनसे जाके पूछो कि वो कितने अपने आप को सेफ फील करते हैं। ये सेफ फील की बात कर रहे हैं योगी जी, आके ये बोलते हैं कि यहाँ पर सेफ नहीं है लोग, हम इसको सेफ बनाएंगे, जो यूपी मॉडल है वो लागू करेंगे। आप 2 बजे रात में यहाँ लड़कियों को योगी जी बोलते हैं कि जींस ना पहनो, हमारे यहाँ लड़कियाँ और लड़के सब जींस पहन सकते हैं, 2 बजे रात में लड़की सेफली घर जा सकती है। और योगी जी मोदी जी बोल रहे हैं कि हम अनाज देते हैं। अरे आप अनाज तो ठीक देते हैं, लेकिन उसको जलाने के लिए, पका के खाने के लिए ना हम लोग के पास उतना पैसा नहीं है जो गैस खरीदे। गैस था 400 रुपये, अभी होगी 800 रुपये। ये कहाँ की ये नीति है? आप ही बताइए, योगी जी आएंगे ना जो बोले सोनार बांग्ला बनाएंगे, सोनार बांग्ला नहीं बनाएंगे, मिट्टी का देश बनाएंगे। और ये देश को ना ले जाके दूसरे देश के पास गिरवी रख देंगे। आज यूपी में क्या हो रहा है? आपसे पूछ रहा हूँ मैं, यूपी में आज हो रहा क्या? मुख्तार अंसारी का घर गिराया जा रहा है, अतीक अंसारी का घर गिराया जा रहा है, जितने मुसलमान है सबों को जेल में भरा जा रहा है, बहुत सारे लोगों को, बेगुनाह लोगों को, नौजवानों को इनकाउंटर किया जा रहा है। ये कौन सा राजनीति चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर? कैसा राजनीति किया जा रहा है? हमारे तो समझ से बाहर है। हम तो समझ रहे हैं कि ये देश किस दाने पर जाकर बैठेगा, हमको तो मालूम नहीं हो रहा। सबको तो यही समझ में आ रहा है कि देश का होगा क्या आखिरी में, होगा क्या आखिरी में। फिलहाल बंगाल की बात करेंगे, बंगाल का क्या होगा बताइए आप? बंगाल में ममता दीदी और कोई बात नहीं होगा, कोई नहीं। ये जो योगी बोल रहे हैं कि योगी आएंगे, योगी पहले यूपी को संभाले अपना। देखिए, एक तो उनके अंदर चीफ मिनिस्टर बनने वाला कोई कारीगरी नहीं, कोई क्वालिटी नहीं है। उनका चेहरा बंदर के जैसा, एक बंदर साथ में ले घूमते हैं, उनके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है। देखिए वो हमारा बंगाल को बचाएंगे, बंगाल को सुनार बंगला बनाएंगे। मेरा कहना है कि दीदी को प्राइम मिनिस्टर बनाओ, दीदी पूरा हिंदुस्तान को सुनार का बनाएंगी। दीदी पूरा हिंदुस्तान को सुनार का बनाएंगी, ममता बनर्जी। आप बताइए किसकी सरकार देंगे? ममता का, ममता दीदी थे खुश है? ममता दीदी के काम से, किन कामों से खुश है? हर काम वो अच्छी करती है। क्या काम अच्छा हुआ? बहुत कुछ करती है वो। एक दो काम बता दीजिए। रोड का काम, अनाज का काम, सभी को 25,000 बच्चों शादी में देता है, वो सभी काम करता है। बच्चों के लड़कियों को शादी में हेल्प करता है। ये सब चीजें मिल रही हैं। आप तो युवा हो, वोट आया आपका या अभी नहीं आया? वोट नहीं, अभी वोट नहीं आया मेरा। मेरा कितनी उम्र है? मेरा उम्र 20 है। 20 है, वोट नहीं आया? नहीं। तो क्यों नहीं आया आपने? ट्राई मेरा भी बना नहीं है, बन रहा है। बनवाई है, वोट डाली है। किसकी सरकार देखना चाहते हो? ममता का सरकार। ममता का सरकार देखना चाहते हो? वोट डालोगे जभी तो ममता दीदी की सरकार रहेगी। अगर ममता का, ममता जी वोट आदमी दे रहा है, ममता का ऐसा बात नहीं है, बहुत आदमी वोट दे रहा है, खाली मेरा वोट देने से जीत जाएगी ममता। ममता से जीत गई है। 2 तारीख को आपको हम दावत दे रहे हैं, दावत दे रहे हैं, चीफ मिनिस्टर दीदी बन रही है
मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है खुदा। हम दावत वाले पत्रकार नहीं है ना, हम बीजेपी की दावत में जाते हैं ना, टीएमसी की दावत में जाते हैं। आपको हम आइए चलिए, बहुत शुक्रिया आप हम लोग दीदी को बनाई है। किसकी सरकार देखना चाहते हैं, किसकी सरकार देखना? एक तरफ भाजपा की सरकार है जो सरकारी संपत्ति को बेच रही है, और दूसरे तरफ ममता बनर्जी की सरकार है जो कोयला माफिया कर रही है, गोरू का प्रचार कर रही है। इन दो सरकारों से आज पश्चिम बंगाल की जनता परेशान हो गई। आने वाले 2 तारीख को वाम कांग्रेस आईएसएफ के सरकार में, आईएसएफ के गठबंधन में 2 तारीख को हमने सरकार बनाने वाले एकदम, क्योंकि 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 एक तरफ राम एक तरफ रहीम, राम रहीम का लड़ाई लड़ाया जा रहा है। ममता बनर्जी मुसलमान को लेकर खेल रही है, नरेंद्र मोदी हिंदुओं को लेकर खेल रहा है। ममता बनर्जी ने कहा है सारे मुसलमान एक हो जाओ, तो ममता जो के प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं हिंदू एक हो जाओ। और एक बात मैं बता दूं, और एक मिनट मेरी बात को कंप्लीट करने दीजिए। आने वाले 26 तारीख को कलकत्ता पोर्ट विधानसभा में जो इनका मेयर फिराद हकीम बॉबी के खिलाफ में कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार मोहम्मद मुख्तार भारी वोटों से जीत के अपना कामयाब बने। आप ये बताइए, आप कांग्रेस के दावे की बात कर जी एकदम कर रहा हूँ, हालत बहुत बुरी हो रही है कांग्रेस, उम्मीद कैसे लगा रहा हूँ बंगाल? अरे भाई इलेक्शन में राहुल गांधी स्विमिंग पूल में जा रहे हैं। एक मिनट मेरी बात तो सुनिए, अमित शाह दिल्ली के पैसेंजर, नरेंद्र मोदी दिल्ली के पैसेंजर, अजय कुमार भी योगी आदित्यनाथ दिल्ली का पैसेंजर, राहुल गांधी भी आएंगे, उनको आने में कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को। ये बताइए मेरी बात सुनिए, महाराष्ट्र में सरकार नहीं चला पा रहा है, कौन बोला? कहाँ दिल्ली डगमगा रही है, ठीक है सुनिए सुनिए, मध्य प्रदेश में चला नहीं पाए गिर गई, ठीक है कर्नाटक में चला नहीं पाए गठबंधन सरकार गिर गई। सर मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए, कर्नाटक में सरकार गिर गई, ठीक है जहाँ गठबंधन की सरकार है वहाँ कांग्रेस कोई भी सरकार नहीं चला पा रहा, सारी सरकारें गिर जाती है, तो सत्ता का लोगों का काम कैसे करेगी सरकार अगर खुद को बचाने में? आप मेरी बात को पहले समझने की कोशिश कीजिए सर। हाँ। आपको मालूम होगा जिस वक्त पूरी दुनिया कोरोना से परेशान थी उस वक्त भाजपा के कुछ दलाल नेता मध्य प्रदेश में सरकार बनाने की तैयारी कर रहे थे, पैसे से नेता को खरीदा जा रहा था। राजेश की बात करते हैं, ममता बनर्जी का क्या समस्या रही है जो आप नाराजगी है? ममता बनर्जी की यही समस्या रही है कि उन्होंने बीजेपी को 1998 से लेकर 2009 साल तक का बंगाल में लाया, आज वही बीजेपी उनके साथ पे चाल के मुंह तोड़ रही है। ठीक है 2 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट बात सुनिए सर, सबकी बात सुनिए। ये कह रहा है दीदी ने कोई काम नहीं किया, दीदी की वजह से भाजपा यहाँ वोट, दीदी की वजह से भाजपा यहाँ मजबूत हो रही है, और जरूरत और सही बात भी है, 3 सीटों वाली आज विपक्ष बन रही है, क्या सही लग रहा है? सही बात है, गलत बात है। आपने अपनी बात बोली, दूसरे की बात सुनिए। दीदी के राज में हम लोग बहुत सेफली है, आराम से हम अपनी माँ बहनों को जितने दिल चाहे रात में आराम से कहीं भी लेके जा सकते हैं, बीजेपी की सरकार में ये पॉसिबल नहीं है कि हम कहीं भी जा सके आने जाने कर सके, दीदी के राज में हम लोग को यही आराम है बहुत। कांग्रेस लेफ्ट में क्यों नहीं है? कांग्रेस कुछ नहीं कर सकता, कांग्रेस का कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा कांग्रेस, जबरदस्ती बोल रहे हैं। वजह क्या है, गिनती में क्यों नहीं है? नहीं वो नहीं है ना, वो क्योंकि कभी आज तक वैसे बात को याद रखे, हम लोगों ने 68 साल देश को चलाया है, आप 10 साल का रिकॉर्ड देखिए और 68 साल का रिकॉर्ड देखिए, 10 साल में पूरा भारत के लोग परेशान है, 68 साल में लोग परेशान नहीं। आज ममता बनर्जी ने, आज हम लोग मटिया ब्रुज के इंसान इतना परेशान रहते थे ट्रेवल्स के लिए, आज हम लोग को फ्लाईओवर ब्रिज, आज ठीक है, उन्होंने आज मटिया ब्रुज के आवामों को टीएमसी के सरकार ने फ्लाईओवर ब्रिज दे दिया है, जो हमेशा एक्सीडेंट होता था, ये सी क्लाइन बोल के एक जगह है यहाँ पर, उसके लिए फ्लाईओवर ब्रिज हम लोग को मिल गया, बहुत सारा ऐसा सुविधा है जो हम आपको अभी गिना नहीं सकते हैं, ये टीएमसी के सरकार आने के बाद। कांग्रेस से नाराजगी है, नहीं दे रहा है कांग्रेस को, मेरी बात सुनिए, एक तरफ नाराजगी भी जता रहे हैं कि कांग्रेस से कोई नाराजगी नहीं है, पहले मेरा बात समझ लीजिए, सोनिया गांधी खुद चाहती है कि ममता दीदी की सरकार बने, एक भी कोई नेता बड़ा नेता बंगाल में नहीं आया कांग्रेस का,
आप सच बोलिए। जैसे कि अजीत साहब ने कहा कि आया जगदीश सेंगर, आया नवजोत सिंह सिद्धू, आ रहा है और भी आए नहीं ना, अभी आ रहा है राहुल गांधी। तो यार राहुल गांधी भी देखना, खेला होबे बंगाल में, खेला होबे तो देखिए यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर मैं अभी इतना जी। आज हम लोग वोट देके आए हैं, वोट देने के बाद अब हम लोग 2 तारीख के जश्न में लग गए हैं कि 2 तारीख को दीदी का जो सरकार बनने वाला है उसको अब जश्न के लिए, क्योंकि हम लोग को कोई सुबह भी नहीं है सब सुबह कि इसमें टीएमसी की सरकार नहीं बनी। एक बार पूछूंगा आराम से, किसको बचा मोदी सरकार में सब भेज दी, आप खाली सिर्फ 125 करोड़ आदमी को बेचने के लिए बाकी बच गया जी। मुसलमानों को आरएसएस गद्दार की नजर से देखता है, लेकिन हम मुसलमानों के बारे में यही कहेंगे कि फुटपाथ पे पड़ा था वो भूख से मरा था, कपड़ा उठाकर देखा तो पेट पर लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके। ये गुलिस्तान मिला न रहीम मिला, मोदी का घर घर में झुनझुना मिला जी, घर में झुंझुना मिला। अच्छा ये बताइए, यहाँ जितने लोग खड़े हैं, मैं एक आराम से पूछूंगा, कितने लोगों को लगता है कि भाजपा की सरकार बन सकती है? नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बना, नहीं बनेगी। भाजपा की बनेगी तो चोरी से बनेगी, मगर पब्लिक का वोट से कभी नहीं बनेगी। हाँ नहीं, अगर बनेगी तो अच्छा बनेगी, पब्लिक का वोट से कभी नहीं बनेगी। लेफ्ट कांग्रेस किसको लगता है कि लेफ्ट कांग्रेस बन सकती है? सबको बोलने दो, लेफ्ट आपको लगता है लेफ्ट कांग्रेस बनेगी? बनेगी, चोरी का सरकार बनेगा, चोरी एबीएम में चोरी घोटाला होगा तभी लेफ्ट, लेफ्ट और कांग्रेस कभी नहीं आ सकता। अच्छा अब कितने लोगों को लगता है कि यहाँ ममता बनर्जी आ रही है? ममता हमको भी, यहाँ तो पूरा ये जो सीटें पूरी ममता में हुई हुई है, लेकिन मैं हर बार कहता हूँ एक सीट से कोई रुझान पता नहीं चलता, एक सीट से कोई नहीं बता सकता किसकी सरकार बनेगी। हम हर जगह जाएंगे, हर सीट की, हर सीट पे लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनका रुझान क्या है। आप लगातार जुड़े रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।